हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्त होंगे। आप सब के लिए फिर से एक बार मैं लेकर आई हूँ नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन। इस बार मैं किचन के लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत टाइम भी निकल जाता है, तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना काम भी निकाल सकते हैं और समय का भी बचत कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम नो कॉस्ट पर बना सकते हैं बिना किसी खर्चे के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस कंटेनर को, एक कंटेनर को चार भाग में डिवाइड करने वाली हूँ। आपने ऑनलाइन या फिर मार्केट में इस तरह के कंटेनर देखे होंगे जिसमें एक कंटेनर में आप तीन चार सामान इजिली रख सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, अलग अलग कंटेनर्स भी बचते हैं और दूसरा एक ही जगह पर हमें सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड की हेल्प से मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो इस तरह के दो टुकड़े मैंने लिए हैं कार्डबोर्ड के और इसी के नाप के देखिए पहले हम कट कर लेंगे इस तरह से, और इसका जो साइड में हम डालने वाले हैं तो इस तरह का एक और लेके उसे हम हाफ हाफ बीच से कट कर देंगे। अब इसे हम आराम से धीरे धीरे अंदर की तरफ बैठा देंगे दोस्तों, और इसी तरह से किनारी वाइज जो है उसे भी हम इसी तरह से बैठा देंगे। और देखिए, बिना किसी खर्चे के गत्ते की हेल्प से, कार्डबोर्ड की हेल्प से, जिसे आप फेंक के रखते हो या फिर इधर उधर रहता है, उससे हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और कितना अच्छा सा देखिए, हमारा चार स्पेस सेवर बन गया, चार टाइप के इस तरह के बॉक्स बन गए जिसमें आप एक ही जगह बहुत सारे सामान रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का कंटेनर हमारा बस मिनटों में बन के तैयार है। अब इसमें मैं दाल आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये सबसे बेटर तो उसी के लिए है कि दाल जो रहता है ना, तीन चार तरह के दाल अगर हम खाते हैं घर में, तो तीन चार तरह के डब्बे भी आपको यूज़ करने पड़ते हैं और संग में हमें ढूंढने भी पड़ते हैं कहाँ कौन सा दाल है। तो यहाँ पे देखिए एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इन सबको रख लेते हैं, और इसके बाद जैसे आप मार्केट में देखते हो बीच में होल मिलता है और फिर साइड बाई साइड आप निकाल सकते हो एक एक करके, तो मैं उस तरह का पूरा बना के आपको दिखाऊँगी। और प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के नो कॉस्ट DIY के लिए, और मैं इसी तरह का और वीडियो लेकर आती हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाइक और कमेंट भी किया कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चारों सेक्शन में मैंने दाल डाल दिया है। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जूस के बोतल सबके घर में रहते, कंटेनर आजकल सबके घर में आते ही रहते हैं, तो इस तरह का कंटेनर जो होता है वो आपके घर में ज़रूर होगा। तो इसे हम सबसे पहले ऊपर की तरफ से कट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही इस डब्बे के साइज़ का है, और इसको कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देते हैं। देखिए, तो ये पूरे साइज़ में कट चुका है। अब इसका कैप जो है वो हटा देते हैं हम। अब इसे हम आराम से बैठा देंगे इस तरह से। अब आप जो जो मतलब फोर कॉर्नर में से आप किसी भी कॉर्नर का जो दाल है या फिर आप जो रख रहे हैं वो अगर निकालना चाहते हैं, तो देखिए आप आराम से इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, और डब्बा भी कंटेनर भी लग जाएगा अच्छे से। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बन गया, बस मिनटों में हमारा ये DIY बॉक्स बन के तैयार है। और देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे साइड का निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से हम घुमाएंगे और बस निकाल लेंगे। एक ही जगह पे हमारा सारा दाल कंटेनर बनके तैयार है। यही मार्केट में आपको 300-400 का एक पड़ता है। चलिए, अब दूसरे आइडिया की तरफ हम जाते हैं। हमारे ये कंटेनर तो बनके तैयार है। अब हम बनाते हैं किचन के लिए कुछ ब्यूटीफुल सा, तो उसके लिए हम कैप का यूज़ करेंगे। कैप से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। ऐसे कैप आपके घर में हमेशा पानी की बोतल के संग या फिर जो ऑयल्स वगैरह होता है, तो मैंने यहाँ पे जो रेड कलर का आप देख रहे हो तिल के तेल का जो होता है उसी का लिया है, और संग में कलर्स लिए हैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए, ताकि किचन में लगाऊँ तो अच्छा सा लगे। वैसे प्लेन भी आप लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो किचन का जो सोफा है वो एकदम ही बदल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन सबको येलो कलर में पेंट कर दूंगी।
देखिए सारे ही येलो कलर में मैंने पेंट कर दिया है और इन सबको अच्छे से सुखा भी दिया है। अब इस पे हम जो कुशन्स पे आप देखते रहते हो कि फेस बनाया जाता है, स्माइली बनाया जाता है, और थोड़ा सा एंग्री फेस, थोड़ा सा स्माइली, थोड़ा सा क्यूट वाला फेस, तो वही फेस मैं इसमें बनाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चारों फेस जो है वो हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और कितना इसका चेंज हो गया है लुक। और अब हम क्या करेंगे, इसे टाइल्स के किसी भी कोने पे ग्लू गन के हेल्प से या फिर किसी भी मतलब जो गम होता है उसके हेल्प से आप इसे चिपका दीजिए। ध्यान रखें कि फेस आपका सही तरीके से चिपके, मतलब ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम इसे टाइल्स पे चिपका देंगे। और देखिए अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं, इसका यूज़ नहीं भी करते हैं, फिर भी ये कितना क्यूट सा किचन में लग रहा है फेस। लेकिन मैं इस पे आपको सामान रख के भी दिखाऊंगी। तो देखिए ये हमारा फेस जो है वो चिपक गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। बस अब इस पे हम आप चाहे तो स्पैचुला कर सकते, रख सकते हैं जैसे कि मैं रख के दिखा रही हूँ, आप चाहे तो किसी तरह का पॉलीथीन वगैरह टांग सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये कितने सारा स्टैंड हमारा सुंदर सा बनके तैयार हो गया है। चलिए अपने तीसरे आइडिया के तरफ, अब हम अपना तीसरा DIY बनाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रहा हमारा तीसरा DIY। आप सबके घर में इस तरह के जैम के बॉक्सेस आते होंगे छोटे वाले, तो इसे जो हमारा मिक्सी का वायर रहता है वो इधर उधर फेंका रहता है या फिर फैला रहता है, तो उसके वजह से टूटने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं भी स्टैंड मिक्सी में कहीं भी स्टैंड नहीं बना रहता जिसे हम इसे कवर करके या फिर करके रख सके, टांग के रख सके, तो इसका स्टैंड हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों किनारी से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है और कैप में भी उसी तरह से कट कर दिया है ताकि ये बंद हो सके। और यहाँ पे इसे हम ग्लू गन के हेल्प से इसे चिपका देंगे अच्छे से। दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से चिपका देंगे, एकदम टाइटली चिपक जाएगा। अब आप इस तरह से देखिए वायर को हम कितने अच्छे से इसमें रोल करके इसे आराम से रख सकते हैं, और इधर उधर वायर कहीं भी झूलेगा भी नहीं, इधर उधर पैर में फंसेगा भी नहीं किसी के, या फिर ऊपर रखते हैं तो इधर उधर बिखरेगा भी नहीं। और इस तरह से आप कैप लगा दीजिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बन गया हमारा। बहुत काम की चीज़ आप इसी तरह के बेकार पड़े हुए कवार से बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा DIY। अब हम अपने 4th DIY के तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 4th DIY हम बनाएंगे किचन के टावल से, कोई भी पुराना टावल आप ले लीजिए।
और इसे हम हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टिच इसमें लगा दीजिए, मैं यहाँ पे ग्लू गन के हेल्प से ही चिपकाऊंगी क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा चिपक जाता है, निकलता नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे हम ग्लू गन के हेल्प से इसे एक किनारी, दोनों साइड के किनारी में और एक लाइन हम इसे बीच से चिपका देंगे। पहले आप साइज़ देख लीजिएगा कि आपको कितना करना है, उसी हिसाब से देखिए। इस तरह से पहला एक सेंटर में हम लगा देंगे, दूसरा और एक तीसरे किनारी पे लगा देंगे तीसरा। तो दो पॉकेट हमारा यूँ बन के तैयार हो गया है। और अब क्या करेंगे, पलट देंगे इसे, पलट देंगे ताकि ये जो है ना वो अंदर के तरफ लगे। एकदम फाइन सा बनाना है तो अंदर के तरफ आ जाएगा। तो इसे भी हम ग्लू गन के हिसाब हेल्प से इस तरह से देखिए चिपका देंगे। बस बन गया हमारा DIY, कोई झमेला कोई झंझट नहीं, बस मिनटों का खेल है और मिनटों में ही आपके कितने सारे काम की चीज़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे एप्रन और किचन टाल जो है वो रख के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्पून्स वगैरह, छुरी वगैरह, कैंची वगैरह आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एप्रन और किचन टाल जो होता है वो रख के दिखाया है और कितना ब्यूटीफुल सा हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अब लास्ट और फाइनल पांचवी DIY के तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक विनेगर का बोतल था, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे कट कर लेती हूँ। इसे गैस की हेल्प से कट करिएगा अगर आप, तो गैस पे जब आप खाना बना रहे हो इस तरह के कट या फिर इस तरह का यूज़ आप तभी कीजिएगा जब आप खाना बना रहे हो। इससे क्या होगा ना कि गैस आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इन सब के ऊपर हम पहले छेद कर देंगे छोटा छोटा सा छुरी की हेल्प से, छुरी को थोड़ा सा गर्म कर करके। तो आप खाना बनाते हुए ही ये काम कर सकते हैं, आपका गैस बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे होल कर दिया है मैंने। अब आपको क्या लेना है, एक बड़ा वाला बलून लेना है, उसे हाफ कट कर देंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो बाहर का साइड है जहाँ से हमने कट किया है इसको इस तरह से इंटर करेंगे और छोटा वाला साइड जहाँ से हम फुलाते हैं उसे बाहर की तरफ रहने देंगे बिल्कुल इस तरह से। अगर आपको ढीला लगता है तो आप इसमें दो तीन रबर लगा दीजिएगा, अगर ढीला नहीं है तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब इसे मैं दिखाती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो ऊपर का जो साइड है आप उसको नल में लगा दो बिल्कुल इस तरह से, आप पानी चलाओ और देखिए कितना आराम से हमारा झरना बनके तैयार है। अभी यहाँ से आप आराम से सिंक विंक बर्तन वगैरह जो चाहे आप धो सकते हैं। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो और ब्लॉग के साथ।